दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? है देखिए, आज सुबह सुबह ही ड्यूटी था। मैंने कल बताया था कि इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उनके काउंटिंग के लिए आज थोड़ा सा रोड पे व्यवस्था तंदुरुस्त है, मुस्त है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। अभी मैं आया हूँ तो आपके लिए एक वीडियो और एक संदेश भी। देखिए, चुनाव तो हो गए हैं, अब इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, आ रहे हैं, रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उससे इतर कुछ बातें आप लोगों को जान लेनी चाहिए जो आपके लिए हो सकता है आपको अच्छी लगे और जरूरी भी है एक आम जनता को समझना। चुनाव होते रहेंगे, इलेक्शन आते रहेंगे, आप वोटिंग करते रहेंगे, सरकारें बदलेंगी, उनके नीति नियम कार्य करने की शैली बदलती रहेगी, सब कुछ बदलेगा। आपके जो नेता हैं आज यहाँ से आपके लिए लड़ रहे हैं, कल आपके लिए दूसरे जगह से लड़ेंगे, लेकिन जो चीज़ खत्म नहीं होगी वो है हमारा लोकतंत्र, लोकतंत्र की मर्यादा, हमारे गणतंत्र का अस्तित्व। जिस पिलर पे इसको हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने खड़ा किया था, उस पे ये अभी भी अडिग है। और कितने भी चुनाव आते रहें, समय बदलता रहे, लेकिन यह जो इस एक इटा मतलब इसकी जो एक श्रेष्ठता है वो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए इलेक्शन के रिजल्ट कैसे भी हों, इस पे आप लोगों को कोई बहस नहीं करना। सुनने में आता है और देखते हैं कि रोड पे लोग निकल जाते हैं, ठीक है। आप किसी, देखिए, वैचारिक मतभेद होना अलग बात है, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं और ये जरूरी भी है, क्योंकि अपना एक विचार रखना किसी भी पार्टी के प्रति जरूरी है। न्यूट्रल इंसान समाज में बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। तो चलिए, रुझान आपका हो सकता है, लेकिन आपका रुझान इतना कलिष्ट क्लिष्ट ना हो कि दूसरे को हानि पहुंचाए। क्योंकि कल को ये देखिए, ये जो मतलब अंदर से जिज्ञासा उत्साह होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, क्योंकि सारी जो पार्टियां हैं, जो जिनके काम करने के तरीके हैं, वो अमूमन मिला जुला के एक ही हैं। लेकिन आपके साथ कौन रह जाएंगे? आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त, आपके आसपास के लोग, जिनके साथ आपको अपने अच्छे संबंध बना के रखना है। और इसके अलावा देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का एक कोट मुझे याद आ रहा है कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो इस यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य है कि आपके आसपास के लोगों से, आपके दोस्तों से, किसी से भी आपके वैचारिक मतभेद हैं तो वो सही बात है, लेकिन आप उनको बदल नहीं सकते। तो एक जो ये मित्रता है, एक बाउंडेशन है, इसको इन सब चीज़ों से ऊपर रखना है, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाती है। तो चुनाव वगैरह के जो भी रिजल्ट हो, अति उत्साही नहीं होना है, अपने आगे के बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में। आम जनता का ये होता है एक अच्छे नागरिक बन के, जैसे देखा जाता है कि लोग अभी से बम पटाखे फोड़ने शुरू कर रहे हैं, करेंगे, फिर उसके बाद किसी विशेष पार्टी के आ जाने से कुछ विशेष लोगों में अति उत्साह हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि यह जो है लोकतंत्र की मर्यादा को खत्म करती है। नुकसान अंततः आपका ही होता है और किसी का नहीं होगा। तो ऐसा कोई अति उत्साही काम न करें जिससे आपको फ्यूचर में नुकसान हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, बाकी जैसे चुनाव और ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं। आपकी अपनी मर्यादा बनी रहनी चाहिए, परिवार की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, समाज ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही चलना चाहिए। एक मेरा छोटा सा संदेश है, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप आगे इसे बढ़ा सकते हैं। मतलब सौहार्द और ये जो भावना एक दूसरे के प्रति है, एक अच्छा संबंध उसको बना के रखना है। इसका इन रिजल्ट से और इन चुनाव से कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। एक अच्छे इंसान का और एक अच्छे नागरिक का यही कर्तव्य है और आपका भी होना चाहिए। मैं अपने बिहार पे, सारे जो बिहार के मेरे मित्र दोस्त बंधु सीनियर और जो भी लोग हैं, यदि सुनेंगे या देखेंगे तो उनको यही करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और एक चीज़ जो निरंतरता रह जाएगी वो आप और आपके साथ का समाज और आपके व्यवहार और विचार, इसी पे आगे का समाज चलता है, ठीक है। तो इसके अलावा और कल वाले पीडीएफ जो टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है, देखिए उसमें टेस्ट है 40 टेस्ट है मैंने करा है, उसको कल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आज सुबह सुबह हम लोग थोड़े से व्यवस्था में हैं, इसलिए मैंने ये कर दिया है, कल सुबह तक या कल दोपहर तक आप लोगों को दे दिया जाएगा। पढ़ाई तो थोड़ा सा आज सबका डिस्ट्रैक्ट रहता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है, क्योंकि इस पर्व के बाद, ये एक लोकतंत्र का पर्व है, इसके बाद आपके लिए एक महापर्व आने वाला है, एग्जाम का सीजन। इतने सारे एग्जाम हैं, इसमें से यदि आप किसी एग्जाम को पास कर लेते हैं, कोई रिजल्ट ले लेते हैं, तो आप प्रशासन के अंग हो जाइएगा। लोग बदलते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन आप कंटिन्यू आम जनता का, लोगों का, अपने परिवार का, सबका सेवा कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि मेहनत करते रहना है, अपने गोल की तरफ ध्यान देना है। चलिए, थोड़ा सा चुनाव और ये सब के रुझानों में लोग लगे रहते हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सब लोग देखते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे वैचारिक मतभेद बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी चाहिए। भाईचारा ही हमारे देश के जो मतलब एकता का अंग है। जय हिंद।